नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा। क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन अगर हम ह्यूमन बींग्स के सेंस में देखें तो रेस्पिरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो कि स्पेसिफिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो हमारे बॉडी और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है। ये एक क्रूशियल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है विद ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन की मदद से सेल्युलर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो जो ये एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो करके एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। तो बेसिकली जो फूड होता है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी में होता है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में H2O और साथ में कुछ ATP मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको कि एनर्जी बोलते हैं। तो यही ATP मॉलिक्यूल एनर्जी होता है हमारे बॉडी में। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन प्रोवाइड करता है सेलुलर एनर्जी बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर के ये एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अगर हम ह्यूमन में गैस के एक्सचेंज की बात करें तो ह्यूमन जब ब्रीथ करता है तो ब्रीदिंग के दौरान एयर इनहेल करता है। तो ये इनहेल्ड एयर जो है ऑक्सीजन रिच होता है, ऑक्सीजन रिच इनहेल्ड एयर होता है। और जब ये एक्सपायरेशन होता है, मतलब एक्सहेल जब करता है, तो एक्सहेल करने के दौरान CO2 रिच होता है, ये एक्सहेल्ड वाला गैस। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, जब व्यक्ति इनहेल कर रहा होता है तो इनहेल्ड गैसेस हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स में प्रेजेंट होता है एल्वियोली, जहाँ की गैस का एक्सचेंज होता है विद द ब्लड स्ट्रीम, जिसमें कि ऑक्सीजन गैस ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस जो है उधर ब्लड स्ट्रीम से वापस एल्वियोली में आ जाता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस फिर इस लंग्स के थ्रू, हमारे नोज के थ्रू ये एक्सहेल हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें ये इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो ये ऑक्सीजन रिच गैस हमारे लंग्स में पहुंचा और लंग्स के थ्रू ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा। तो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद ये ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुँचता है और सेल में जा करके सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है, जहाँ की ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और ATP के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी रिलीज करता है। ह्यूमन बींग्स में अगर हम लोग कंपोनेंट्स देखें रेस्पिरेशन का, तो टू मेन कंपोनेंट्स हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमोसफेयर एंड द लंग्स। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आ जाता है ब्रीदिंग प्रोसेस, और इस ब्रीदिंग प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमोसफेयर, एटमोसफेयर और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आ जाता है। इनहेलेशन के दौरान जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिब केज एक्सपेंड करता है, और इस वजह से इट कॉजेज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी टू इंक्रीज। तो जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। दिस डिक्रीज इन प्रेशर इन द लंग्स अलाउज एयर टू बी ड्रॉन इन थ्रू द नोज एंड माउथ। तो जो ये प्रेशर में डिक्रीमेंट आया ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द एक्सपेंशन ऑफ द रिब केज, तो इस वजह से जो प्रेशर में डिक्रीमेंट आया ये
लंग्स को अलाउ करता है कि ये एयर को ड्रॉ इन करे थ्रू द नोज एंड द माउथ. ऑक्सीजन इन द इनहेल्ड एयर इंटर्स द लंग्स. ये जो ऑक्सीजन होता है ये थ्रू द इनहेल्ड एयर हमारे लंग्स तक पहुंचता है, जहाँ की ये डिफ्यूज करता है अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द एयर सैक्स जो कि एल्वियोली होता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम. तो एल्वियोली की मदद से, एल्वियोली जो कि एयर सैक होता है, इसकी मदद से जो है ब्लड स्ट्रीम में ये ऑक्सीजन रिच एयर डिफ्यूज इन कर जाता है. और एक्सहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो एक्सहेलेशन जो कि एक्सपायरेशन भी कहलाता है, इस प्रोसेस में जो डायफ्राम होता है और इंटरकोस्टल मसल्स ये रिलैक्स कर जाता है, और रिलैक्स करने के वजह से इट कॉजेस द चेस्ट कैविटी टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, और चेस्ट कैविटी की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, और इस डिक्रीज होने के वजह से दिस डिक्रीज इन प्रेशर इन द लंग्स एक्सपेल्स एयर अलॉन्ग विद द वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो ये लंग्स का प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर के इंक्रीज होने के वजह से ये एयर को एक्सपेल कर देता है बाहर की तरफ, और जो वेस्ट था कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर की तरफ निकल जाता है फ्रॉम द लंग्स थ्रू द नोज एंड माउथ. और इस प्रकार से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है जो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है. तो ये था हमारा ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन रिच एयर हम लोग अंदर की तरफ लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर की तरफ छोड़ा जाता है. और ये ब्रीदिंग प्रोसेस में जो कि एयर को इनसाइड लिए जो कि इनहेलेशन हुआ, और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस को बाहर की तरफ छोड़े तो वो एक्सहेलेशन कहलाता है. तो इनहेलेशन में जो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम पुल्स डाउनवर्ड्स, और इस वजह से वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, और जो टिश्यूज हैं वो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने के वजह से एयर जो है वो अंदर की तरफ आ जाता है, मतलब एयर इज पुल्ड इन. और एक्सहेलेशन के दौरान जो टेंशन इन द डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है, और डायफ्राम का टेंशन रिलैक्स होने के वजह से ये वॉल्यूम लंग्स का डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और टिश्यूज स्ट्रेच करने लगते हैं, मतलब टिश्यूज में जो स्ट्रेचिंग है वो डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने के वजह से तो इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग टिश्यू, मतलब ये होने के वजह से जो हमारा लंग्स हैं उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और एयर इज फोर्स्ड आउट, जो एयर है वो बाहर की तरफ निकल जाता है. तो ये एक्सहेलेशन में हो रहा होता है. तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा. अब हम लोग चर्चा करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की. तो इंटरनल रेस्पिरेशन में दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज एट दिस सेल्यूलर लेवल. तो ये एक प्रोसेस है जहाँ की गैस का एक्सचेंज होता है सेल्यूलर लेवल पे, मतलब कि सेल्स लेवल पे ये गैसेस का एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि हमारे लंग्स से आ रहा होता है इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम टू ऑल बॉडी टिश्यूज. तो जो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो कि थ्रू द हार्ट फ्रॉम लंग्स आ रहा होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू दी सर्कुलेटरी सिस्टम टू ऑल दी बॉडी टिश्यूज, हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं वहाँ तक ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करके लेके जाता है, और टिश्यू लेवल पे आ करके ऑक्सीजन ये डिफ्यूज आउट होता है ऑफ द ब्लड एंड इनटू द सेल्स, ब्लड से निकल के ये सेल्स में एंटर कर जाता है. तो इस तरह से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है ये सेल्स तक आता है तो ऑक्सीजन इधर एंटर कर जाता है. वेर इट इज यूज इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस ATP, जहाँ की इनको सेल्यूलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज किया जाता है ताकि ये ATP बना सके. ATP क्या होता है, ATP होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. बेसिकली ATP जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बनाया. बेसिकली 36 मोलिक्यूल्स ऑफ ATP का फॉर्मेशन करता है
इस रिएक्शन के दौरान सेल्युलर रेस्पिरेशन में साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल्स। और साथ ही साथ क्या हो रहा होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है इस सेल्युलर रेस्पिरेशन का, वो डिफ्यूज आउट हो जाता है ऑफ द सेल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सेल से निकल करके ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और फिर ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वापस इनको लंग्स के पास लाया जाता है, और जहाँ की ये एल्वियोली में फिर से इस गैस का एक्सचेंज होता है और फिर ये डिफ्यूज आउट हो जाता है ऑफ द लंग्स, मतलब कि एक्सहेल हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बॉडीज एनर्जी बैलेंस। अपने बॉडी का एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है वो एक एसेंशियल फिनोमेना है। एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए भी एक एसेंशियल फिनोमेना। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन स्टेम विच मॉनिटर्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड एडजस्ट द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग टू मेंटेन द बॉडीज होम्योस्टेसिस। इट इज कंट्रोल्ड बाय द, ये कंट्रोल किया जाता है बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ब्रेन स्टेम। हमारे ब्रेन स्टेम में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इनको कंट्रोल करता है, जो मॉनिटर करता है द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। हमारे ब्लड में कितना लेवल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको भी ये मॉनिटर करता है और एडजस्ट करता है रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, ताकि हमारे बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन किया जा सके। तो अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें ब्रीदिंग का, तो ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो जो ये मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का उसको हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। ये इन्वॉल्व करते हैं अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शंस बाय द रेस्पिरेटरी मसल्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये इन्वॉल्व करता है अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, कई एक्शंस एक साथ काम कर रहे होते हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके बाय द रेस्पिरेटरी मसल्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और स्पेसिफिकली जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। तो इस ब्रीदिंग प्रोसेस को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं इंटू टू मेन फेजेस, दो मेन फेजेस में। एक इनहेलेशन हुआ, दूसरा एक्सहेलेशन हुआ। मतलब इनहेलेशन मतलब इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन मतलब एक्सपायरेशन प्रोसेस से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनहेलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, कई की स्टेप्स हैं जो कि अकर हो रहा होता है इस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में, इस जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग में। तो पहला तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो प्राइमरी मसल्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इनहेलेशन इज द डायफ्राम। तो जो ये डायफ्राम होता है, ये नीचे जो डायफ्राम है, तो ये प्राइमरी मसल्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इनहेलेशन, जो कि डायफ्राम होता है, जो कि एक डोम शेप्ड मसल्स होता है लोकेटेड एट द बेस ऑफ द चेस्ट। हमारे चेस्ट जो हैं उनके बेस में ये लोकेटेड होता है और डोम शेप्ड मसल होता है। When the diaphragm contracts, जब diaphragm contract करता है ये नीचे की तरफ move करता है, which increases the volume of the thoracic cavity, और ये thoracic cavity के volume को increase करता है। अब इस volume के increase होने के वजह से rib cage का expansion होता है, तो the intercostal muscles situated between the ribs also play a role in inhalation। तो जो ये intercostal muscles located होता है ribs के बीच में, ये भी एक important role play करता है इस inhalation process में। When these muscles contract, they lift the rib cage। जब muscle हमारा contract होता है तो ये lift करता है rib cage को, further expanding the chest cavity, और ये chest cavity को आगे expand करता है। This increases the volume of the lungs, तो हमारे lungs के volume को ये increase करता है, causing a decrease in air pressure
विद इन द लंग्स, और इस वजह से वॉल्यूम के इंक्रीज होने के वजह से जो प्रेशर है उनको ये डिक्रीज करता है। और इसके बाद आता है जो तीसरा स्टेप है वो है एयर फ्लो का। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है, प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, और इस इंक्रीज्ड वॉल्यूम और डिक्रीज्ड प्रेशर के वजह से जो एयर है वो पुल्ड इन होता है, मतलब वो एयर का फ्लो होता है। एज द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स एंड द एयर प्रेशर विद इन द लंग बिकम लोअर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो एयर जो है वो अंदर की तरफ आता है। एयर इज ड्रॉन इन टू द लंग्स थ्रू द एयरवेज, द ट्रेचिया एंड द ब्रॉन्चियल ट्यूब्स। तो ट्रेचिया और ब्रॉन्चियल ट्यूब्स के थ्रू जो ये एयर है वो लंग्स में इंटर करता है। दिस इनकमिंग एयर इज रिच इन ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशन। ये अंदर की तरफ जो एयर आ रहा है वो ऑक्सीजन रिच होता है और ये एसेंशियल होता है फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशन। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है डायफ्राम का, उसके कॉन्ट्रैक्शन के वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, और टिश्यू और ये एयर अंदर की तरफ आया। और वही दूसरे वाले डायग्राम में जब डायफ्राम रिलैक्स हुआ तो रिलैक्स होने के वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ और एयर बाहर की तरफ फोर्स्ड आउट हुआ, जिसको कि एक्सहेलेशन प्रोसेस हम बोलते हैं। तो ये एक्सहेलेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक्सहेलेशन प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग एयर फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से एयर को एक्सपेल करना एक्सहेलेशन कहलाता है। तो एक्सहेलेशन इज यूजुअली अ पैसिव प्रोसेस व्हेन द इंस्पिरेटरी मसल्स, जो कि डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये रिलैक्स करता है, द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज इन वॉल्यूम। तो जो चेस्ट कैविटी है उनकी वॉल्यूम डिक्रीज होती है। अब वॉल्यूम डिक्रीज होने के वजह से एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स एक्सीड्स एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उससे अधिक प्रेशर ये वाला हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर में, और एयर जो है इस पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द एयरवेज। तो एयरवेज के थ्रू ये लंग्स से जो है एयर को बाहर पुश कर दिया जाता है, और इस तरह से ये एक्सहेलेशन प्रोसेस हो रहा है, जो कि एक्सपायरेशन भी कहते हैं। अब फोर्स्ड एक्सहेलेशन भी कभी कभी हो रहा होता है। ये कब होता है कि ये इन द सिचुएशन दैट रिक्वायर्स मोर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ऐसा सिचुएशन जब कभी कभी हमें ज़रूरत होती है और भी अधिक फोर्सफुल एक्सहेलेशन के, जैसे कि ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, कोई हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं या फिर कोई, तो उस समय फोर्सफुल एक्सहेलेशन की ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो एडिशनल मसल्स जैसे कि एब्डोमिनल मसल्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है टू असिस्ट इन पुशिंग एयर आउट, और ये जो है हेल्प करता है, मतलब जो ये एब्डोमिनल मसल्स हैं ये हेल्प करता है, एक एडिशनल मसल्स हैं इस फोर्सफुल एक्सहेलेशन में। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन ब्रेन स्टेम। तो जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का वो कंट्रोल किया जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर के द्वारा, जो कि हमारे ब्रेन स्टेम में लोकेटेड है। दिस सेंटर मॉनिटर्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड एडजस्ट द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग इन टू मेंटेन द बॉडीज होम्योस्टेसिस। और ये सेंटर जो है ब्रेन स्टेम ये मॉनिटर करता है लेवल ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड में, और ये एडजस्ट करता है जो रेट है और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग है, ताकि मेंटेन रह सके हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस। और समर के मंथ में क्या होता है कि ब्रीदिंग इज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, ये एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है इन्वॉल्विंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स टू अल्टर द वॉल्यूम एंड प्रेशर विद इन द थोरेसिक कैविटी अलाउंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। दिस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज वाइटल
फॉर सस्टेनिंग सेलुलर रेस्पायरेशन एंड मेंटेनिंग द बॉडीज ओवरऑल फंक्शन। बेसिकली जो समर में है, समर के मंथ में ब्रीदिंग जो है ये एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है जो कि इन्वॉल्व करता है द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, ताकि ऑल्टर किया जा सके द वॉल्यूम एंड प्रेशर विद इन द थोरेसिक कैविटी, और फिर ये अलाउ करता है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हम कुछ मेन ऑर्गन्स की बात करें जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, वो है एक नोज, फिर नोजल कैविटी आ जाता है जिसको कि नेसल कैविटी भी बोलते हैं या नेसल पैसेज बोलते हैं, फिर ट्रेचिया होता है, ब्रोंची होता है, लंग्स हैं और फिर डायफ्राम है। तो इस डायग्राम में हम लोग सब देख सकते हैं, ये हो गया ट्रेचिया, फिर इधर लैरिंग्स हो गया, ऊपर में ये फैरिंग्स हो गया, फिर ये ओरल कैविटी है और इधर ये नेजल कैविटी है, और इधर सामने की तरफ जो होता है दैट इज़ नोस्ट्रिल, फिर ये अंदर की तरफ आता है, मतलब कि ट्रेचिया से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दिस इज ब्रोंचाई, फिर ये नीचे एल्वियोली, इधर ये लेफ्ट लंग, ये राइट लंग, और फिर नीचे की तरफ जो ये वाला है दिस इज डायफ्राम। इसी के कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के वजह से एयर का वॉल्यूम जो है इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और एयर कभी पुश्ड इन हो जाता है, कभी पुश्ड आउट हो जाता है। तो बेसिकली ये ऑर्गन्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जो ये वेरियस ऑर्गन्स हैं, इनका काम क्या है, तो क्या इनका फंक्शंस हैं, तो नेजल कैविटी जो प्यूरिफाई करता है और ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, ओरल कैविटी एयर और फूड को इंटर करवाने में ये हेल्प करता है, फिर एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो है ये कीप्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे, फिर ये लैरिंग्स हैं जो कि लेटिंग एयर पास थ्रू दी स्पीच प्रोडक्शन, फिर ट्रेचिया है चैनल्स द एयर टुवर्ड्स द लेफ्ट या राइट ब्रोंची, फिर लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंचस अलाउज एयर टू इंटर द लेफ्ट लंग, और ब्रोंचियोल्स लेट एयर रीच द एल्वियोली, और साथ में ये एल्वियोली हैं जो कि साइट ऑफ O2 एंड CO2 एक्सचेंज। डायफ्राम हम लोग जान रहे हैं ये हेल्प करता है पंप द लंग्स, फिर इंटरकोस्टल मसल्स जो कि इधर रिब्स और लंग्स के बीच में होता है, मूव्स द रिब्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग, फिर रिब्स ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, और राइट प्राइमरी ब्रोंचस ये अलाउ करता है एयर को टू इंटर इनटू द राइट लंग्स, और प्लूरल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स टू कीप द लंग्स फ्लैक्सीबल, फेरिंग्स जो कि चैनल्स द एयर डाउन द एयरवेज, और नोस्ट्रिल्स जो हैं वे फॉर एयर टू इंटर द बॉडी। तो कुल मिलाकर के ये फंक्शंस हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और ये जो लंग्स हैं ये कैरी करता है कैरी आउट CO2 एंड ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज। तो साथियों थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।